स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे स्टेजेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि मां के शरीर के अंदर जो शिशु का विकास होता है, उस शिशु के विकास में कौन कौन से स्टेजेज होते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस होता है, यह पूरा प्रोसेस किन किन स्टेज से होकर गुजरता है और फिर किस तरह से जो है शिशु का जन्म होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला स्टेज होता है यानी कि गैमेटोजेनेसिस। फिर उसके बाद हो गया इजेकुलेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटेशन, गैस्टुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, पार्टुरेशन और सबसे लास्ट में हो गया लैक्टेशन। इन सारे स्टेजेस को हम लोग एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी इसके नाम से ही पता क्लियर है, गैमेट और जेनेसिस। तो जेनेसिस का मतलब होता है टू जनरेट करना, फॉर्म करना। तो जहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, इसी को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की आवश्यकता रिक्वायरमेंट होती है, इसमें दो अपोजिट सेक्स फॉर्मेशन होता है। तो गैमेटोजेनेसिस जो हो गया, ये दो तरह का हो गया, गैमेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और ओजेनेसिस जहां पर एग का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, तो जहां पर मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो मेल गैमेट जो होता है, जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म ये मोटाइल होता है। ये क्या होता है, मोटाइल होता है, यानी कि ये मूव करकर फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचता है। और इसके मोटाइल होने का कारण क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जो है सो यह आगे की तरफ मूव कर पाता है। तो ये कहां फॉर्मेशन होता है, मेल के अंदर। दूसरा है ओजेनेसिस। तो ओजेनेसिस में क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, जिसको हम लोग एग या ओवा कहते हैं। तो एग जो होता है ये फीमेल बॉडी के अंदर फॉर्म करता है, ये फीमेल बॉडी के अंदर फॉर्म करेगा एग। और ये जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है। ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल होने का कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जिसके कारण इसको एनर्जी नहीं मिल पाता है और ये जो है सो किसी एक ही जगह पर स्टेबल रहता है। ये कहां स्टेबल रहता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, है ना। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो इजेकुलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज सीमेन थ्रू पेनिस बाय मेल इन फीमेल वजाइना ड्यूरिंग इंटरकोर्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये जो इजेकुलेशन है इसको हम लोग इंसिमिनेशन भी बोलते हैं, यानी इसका मतलब ये होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो इसमें होता क्या है कि मेल के अंदर जो मेल गैमेट्स है स्पर्म, इस स्पर्म को पेनिस के द्वारा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक वेजाइना में इसको स्पर्म को रिलीज करना, स्पर्म को रिलीज करना, ये जो ड्यूरिंग इंटरकोर्स यानी कि जो फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है मेल और फीमेल में, तो मेल और फीमेल में फिजिकल कॉन्टेक्ट के दरमियान मेल के पेनिस के द्वारा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक वजाइना में स्पर्म को रिलीज करना, डिस्चार्ज करना, ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग इजेकुलेशन करते हैं। तो पेनिस और वेजाइना जो है ये रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन नहीं होता, यानी कि मेल बॉडी के अंदर जो पेनिस है, पेनिस का काम है स्पर्म को रिलीज करना
और ट्रांसफर करना और वेजाइना का काम है उसको रिसीव करना, बस इतना ही इस दोनों का काम है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इजेकुलेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म, फीमेल गैमेट्स यानी एग। तो जब मेल गैमेट्स का फ्यूजन मेल फीमेल गैमेट्स एक के साथ होगा तो ये जो पूरा प्रोसेस कहलाता है इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं। देखिए यहां पर मेल गैमेट्स है स्पर्म, ये फीमेल गैमेट्स है एग, ये दोनों आपस में फ्यूज कर ये क्या बनाएंगे, जायगोट। तो यहां पर स्पर्म जो है ये मेल गैमेट्स है जो कि हैप्लॉयड है, यहां पर फीमेल गैमेट्स जो एग है ये भी हैप्लॉयड है, और ये दोनों आपस में जब फ्यूज किए तो जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ इसको हम लोग बोलेंगे ये एक डिप्लॉयड सेल बना, है ना, ये क्या बना, डिप्लॉयड सेल। तो ये डिप्लॉयड सेल जो है जायगोट कहलाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, जायगोट। अब ये सब कुछ जो है ये कैसे और कहां पे होता है, ये जो है सो फीमेल का यूट्रस है, और इस यूट्रस में यहां पर ये यहां पर ये जो है सो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, और इस फैलोपियन ट्यूब में ये जो जगह होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये जो जगह होता है एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन, इसको बोलते हैं एम्प्यूला इस्थमस, इस्थमस जंक्शन। ओवरी से एग रिलीज होने के बाद यह फैलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन के पास आकर जो है सो यहाँ पर हुआ स्टेबल हो गया, अब यहाँ पे ये रुक गया, है ना। अब स्पर्म का ये यहाँ पे वेट करेगा, अब यहाँ से स्पर्म जो है, स्पर्म चूंकि मोटाइल होता है एक नॉन मोटाइल होता है, तो स्पर्म जो है सो स्विमिंग करते हुए ये पहुंचेगा कहाँ, ये एग के पास, और फिर यहीं पर जो है सो इस दोनों का फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन का जो प्रोसेस है वह कहां पे हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन के पास, और यहीं पर फ्यूज कर फ्यूजन होगा दोनों का, और फ्यूजन होने के बाद ये जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो क्लीवेज, देखिए क्लीवेज क्या होता है, इट इज ए रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जायगोट टू फॉर्म ए हॉलो स्फेरिकल मल्टीसेलुलर डेवलपमेंटल स्टेज कॉल्ड ब्लास्टुला एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। देखिए ये जो क्लीवेज है, क्लीवेज क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस जायगोट में माइटोटिकली डिवीजन होता है, यानी कि वहां पर जो है सो सेल का डिवीजन शुरू हो जाता है, और सेल जो है सो डिवाइड कर तो ये जो डिवीजन का जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्लीवेज बोलते हैं, और ये जो है सो सेल डिवीजन कर एक से दो होता है, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, ऐसे कर एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक खोखला गेंद की गेंद का संरचना बना लेता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लास्टुला, और इस पूरे प्रोसेस को यानी कि ब्लास्टुला यानी जो हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ उसको हम लोग ब्लास्टुला बोलेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। तो क्लीवेज इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, यह क्या है, यह एक सेल के डिवीजन का एक पूरा सीरीज है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, ऐसे कर सो डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट सेल। तो यहां पर माइटोटिकली डिवीजन होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंटिएशन नहीं हो पाता है ना? ये जायगोट है, जायगोट के बाहर जो है एक थिक लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा, अंदर में लेयर है इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेंटर में इसका न्यूक्लियस है। तो ये जायगोट है और ये एक डिप्लॉयड सेल है। अब यहां से इसमें डिवीजन शुरू होगा, अब डिवीजन शुरू होगा तो पहले क्या होगा कि एक सेल जो है सो दो सेल में बढ़ेगा, है ना, ये बीच में क्लीवेज बना, और क्लीवेज बनने के बाद जो है सो यहां पर जो है एक सेल दो सेल में हो गया, फिर उसके बाद यहां पर ऐसे डिवीजन होगा तो दो सेल जो है चार सेल बन जाएगा, चार सेल फिर इसमें आगे कंटिन्यू माइटोटिकली डिवीजन होते रहेगा, और माइटोटिकली डिवीजन होकर ये चार सेल आठ सेल को बनाएगा। अब यहां पर ये आठ सेल का फॉर्मेशन हो गया, अब आठ सेल के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं मोरूला। तो मोरूला जो होता है यहां तक का जो सेल में डिवीजन हुआ इसमें किसी तरह का कोई चेंजेज या कोई बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन अब यहां से थोड़ा सा बदलाव आएगा। बदलाव क्या आएगा कि
जो बाहर बाहर का जो सेल था, यहाँ पर जो बाहर बाहर का जो सेल था, वह सेल जो है काफी तेजी से डिवीजन करना शुरू किया, जिसके कारण इन सेलों का आकार काफी छोटा हो गया। जो अंदर का सेल था इसमें जो है सो धीरे धीरे डिवीजन हुआ और जिसके कारण इसका आकार बड़ा रह गया। ठीक है, तो ये जो है सो 32 सेल तक इस तरह से डिवीजन होगा। तो 32 सेल तक डिवीजन होगा और इसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। इसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। और इसके यहां पर क्या हो जाता है कि इसके बाहर जो जोना पेलिसिडा का जो लेयर था, वह जोना पेलिसिडा का लेयर अब खत्म हो गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, यानी कि सेल के डिवीजन का जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। इम्प्लांटेशन, देखिए इम्प्लांटेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द फर्टिलाइज्ड एग दैट इज एम्ब्रियो गेट्स फिक्स्ड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। देखिए इम्प्लांटेशन क्या होता है कि जो जायगोट है उस जायगोट के अंदर क्लीवेज हुआ, सेल का डिवीजन हुआ, और सेल का डिवीजन होने के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वह यूट्रस के इनर वॉल से जाकर अटैच हो गया, उससे ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। यानी इम्प्लांटेशन को आप सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो जायगोट के डिवीजन से फॉर्म हुआ है और इसमें 32 सेल होते हैं यूट्रस। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो ये है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट को हम लोग ब्लास्टुला भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो आपने जायगोट से देखा कि उसके सबसे ऊपर एक थिक लेयर था जो काफी हार्ड था, जोना पेलिसिडा का। वह जोना पेलिसिडा का जो लेयर है वह अब यहाँ पर खत्म हो गया है और ये जो है 32 सेल का है। ये कितने हैं, 32 सेल का फॉर्मेशन होता है इसके ऊपर, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर। ये कोरियन विलाय कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जायगोट बना फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में जायगोट बनने के बाद उसमें क्लीवेज हुआ, डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया और इसके ऊपर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोरियन विलाय का फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्या होगा कि यहां से आगे बढ़कर आएगा और यूट्रस के जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है जिसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये इनर मोस्ट लेयर जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इस इंडोमेट्रियम के वाल से जो लाइनिंग होती है वह उसके साथ है, ये ब्लास्टुला का जो कोरियन विलाय है वह दोनों आपस में अटैच हो जाएगा। और अटैच ये जो पूरा प्रोसेस होता है ब्लास्टुला का यूट्रस के इनर मोस्ट लेयर इंडोमेट्रियम से अटैच होने का, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। प्लेसेंटेशन क्या हो रहा है, तो प्लेसेंटेशन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा विच इज द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रिन वॉल ऑफ द मदर। देखिए समझिए, प्लेसेंटेशन क्या होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट यानी कि जायगोट का 32 सेल तक डिवीजन हो जाता है तो उसके ऊपर जोना पेलिसिडा खत्म हो जाता है। जोना पेलिसिडा खत्म होने के बाद उसमें क्रोमियम विलाय का फॉर्मेशन हो जाता है और क्रोमियम विलाय का फॉर्मेशन होने के बाद वह मदर के यूट्रस में आता है और यूट्रस में उसका यूट्रस का जो इनर वॉल होता है इंडोमेट्रियम, उस इनर इंडोमेट्रियम के साथ वह अटैच हो जाता है। तो जहां पर यह अटैच होता है यहां पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। यहां पर एक डिस्क, ये जो है सो फीटस है और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इसके यूट्रस के अंदर बन गया। तो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है सो प्लेसेंटा का काम क्या है, यह फीटस से मदर के साथ जुड़ गया। अब फीटस जो है यह इसके द्वारा फीटस और मदर के दरमियान दोनों के बीच कुछ सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होगा, यानी फीटस क्या करेगा, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको वह मदर को ट्रांसफर करेगा और मदर जो है सो क्या करेगी, वह जो है सो न्यूट्रिशियन जो है वह फीटस को एक्सचेंज करेगा, फीटस को ट्रांसफर करेगी, जिसके द्वारा क्या होगा कि फीटस का आगे ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, जो फीटस और मदर के बीच में कनेक्ट करके रखता है। गैस्टुलेशन, गैस्टुलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर्स फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड गैस्टुलेशन। देखिए
अब ब्लास्टोसिस्ट का जब फॉर्मेशन हो जाता है यानी कि 32 सेल तक जायगोट डिवाइड कर जाता है तो उसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अब ये ब्लास्टोसिस्ट फिर इसमें फर्दर जो है कुछ चेंजेज आएंगे। तो ये ब्लास्टोसिस्ट ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट है ना, और इसके बीच में एक पार्टीशन बनेगा, सेल का क्या होगा एक पार्टीशन बनेगा, और ये पार्टीशन क्या करेगा कि ऊपर और नीचे दो कैविटी को फॉर्म कर देगा। यानी कि ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो हॉलो का मतलब क्या, अंदर से खोखला, अंदर खाली रहता है। तो ये इसके अंदर में कैविटी रहता है, ये कैविटी का मतलब खाली जगह। तो यहां पर भी खाली जगह है और यहां पर भी खाली जगह है, बीच में जो है क्या हो गया एक पार्टीशन बन गया। इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी। अब इसमें ये जो बीच का जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन जो है दो लेयर का रहता है ना। वो ऊपर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिब्लास्ट, एपी का मतलब ऊपर, और नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। ऊपर वाले को बोलेंगे एपिब्लास्ट और नीचे वाले को बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ये जो पार्टीशन बना, यही ऊपर वाला जो एपिब्लास्ट है ये जो है बनाएगा जर्म लेयर, यानी ऊपर वाला एपिब्लास्ट बनाएगा क्या इक्टोडर्म, और हाइपोब्लास्ट जो नीचे वाला है वह बनाएगा इंडोडर्म, और इस दोनों के बीच में भी क्या होगा एक लेयर बन जाएगा, उस लेयर को बोलेंगे मेसोडर्म। तो गैस्ट्रुलेशन क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट के द्वारा ये जो तीन लेयर बनाया गया, तीन जर्म, इसको जर्म लेयर बोलते हैं। तो ये जो तीन जर्म लेयर बनाया गया, इसी प्रोसेस को हम लोग गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। तो तीन जर्म लेयर कौन कौन है, ऊपर वाला एक्टोडर्म, नीचे वाला इंडोडर्म और बीच वाला मेसोडर्म। देखिए ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, ऑर्गेन यानी कि इसके नाम है ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेन और जेनेसिस यानी कि इसके नाम से ही क्लियर है कि यहां पर ऑर्गेन का फॉर्मेशन होने वाला है। यानी ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन। द प्रोसेस बाय विच द थ्री जर्म लेयर टिश्यू लेयर ऑफ द एम्ब्रियो विच आर डेवलप इनटू द इंटरनल ऑर्गेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखिए जो तीन लेयर बनते हैं ब्लास्टोसिस्ट के द्वारा, जो तीन लेयर बना, तो वह तीन लेयर क्या करेगा कि अब आगे चलकर डेवलप कर जो हमारा फिटस होगा उस फिटस के अंदर ऑर्गेन्स को डेवलप करेगा। तो तीन लेयर को हम, वो जो तीनों लेयर है उस तीन लेयर को हम लोग जर्म लेयर बोलते हैं। तो कौन कौन जर्म लेयर है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। जो ऊपर वाला लेयर है वो इक्टोडर्म कहलाता है, बीच वाला मेसोडर्म और नीचे वाला इंडोडर्म। यही तीनों लेयर जो है फिटस के अंदर जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं वह सारे ऑर्गेन्स इस तीनों लेयर के द्वारा फॉर्म होने वाला है, बनने वाला है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। तो इक्टोडर्म क्या क्या बनाता है, ये पिगमेंट्स बनाता है, एपिडर्मल आउटर लेयर बनाता है, नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है। इंडोडर्म पैनक्रियाज बनाता है, थायराइड बनाता है, लंग्स को फॉर्म करता है। मेसोडर्म जो बीच का लेयर है वह स्केलेटन बनाएगा, आरबीसी बनाएगा, नेफ्रॉन्स बनाएगा, नेफ्रॉन्स जो किडनी का सेल होता है, और हार्ट मसल्स, स्मूथ मसल्स, ये सब कुछ जो है सो मेसोडर्म के द्वारा फॉर्म होता है। तो इस तीनों लेयर के द्वारा ये जो जर्म लेयर है, इसके इसी जर्म लेयर के द्वारा जो ऑर्गेन का फॉर्मेशन होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्टुरेशन, तो देखिए पार्टुरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द एक्सपल्सन और डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम मदर्स बॉडी एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड पार्टुरेशन। देखिए पार्टुरेशन क्या होता है, जब मदर के बॉडी के अंदर जब फीटस फुली डेवलप हो जाता है, जब पूरी तरह से वह डेवलप हो गया, 9 महीने का जो गर्भकाल होता है, तो इस गर्भकाल में फीटस जो है जब पूरी तरह से डेवलप हो गया, तो अब बारी आती है कि उस बच्चे के जन्म होने का, यानी कि मदर के शरीर से बाहर निकलने का। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो फीटस है, फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा, ये दोनों जो है सो कुछ सिग्नल देते हैं कि सिग्नल किस चीज का, पार्टुरेशन का, यानी कि बच्चे के जन्म होने का। तो सिग्नल कौन देता है, फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा। तो यहां पर इस पार्टुरेशन में दो हार्मोन्स, ये एक हार्मोनल प्रक्रिया है, ये हार्मोनल प्रोसेस है, और यहां पर दो हार्मोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। कौन कौन हार्मोन, एक है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ये
यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि उसको सिकुड़ता है, माने कि सिकुड़ाता है। तो जैसे क्या होगा कि अगर कोई चीज जब यूट्रस जब सिकुड़ता है तो इसे क्या होता है कि जो उसके अंदर फीटस है वह फीटस जो है सो वह बाहर की तरफ फिसलता है, है ना। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है कि उसको यूट्रस को सिकुड़ाने में मदद करता है ताकि जो है सो फीटस आसानी से बाहर निकल सके। और दूसरा जो है रिलैक्सिंग हार्मोन, तो रिलैक्सिंग हार्मोन क्या करता है कि बच्चा यानी फीटस जो जिस कैनाल से निकलता है, है ना, बर्थ कैनाल जिसको हम लोग कहते हैं, तो जिस कैनाल से वो बाहर आ रहा है उस कैनाल को ब्रूड करता है, यानी कि उसको चौड़ा करता है ताकि फीटस का तो सबसे पहले हेड आएगा, तो हेड निकलने में काफी दिक्कत होती है, बाकी हेड जब निकल जाता है तो पूरा बॉडी आसानी से खींचा निकल जाता है बाहर, तो वह उस समय जो है सो काफी परेशानी भी होती है मदर को। तो ये जो बर्थ कैनाल है उस बर्थ कैनाल को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ब्रोड किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उसको फैलाया जाए, और इस फैलाने के काम में जो है रिलैक्सिंग हार्मोन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लैक्टेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय द मैमरी ग्लैंड्स एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड लैक्टेशन। देखिए लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो जब मैमरी ग्लैंड्स के द्वारा एंड ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि बच्चे के जन्म के बाद मदर्स के मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, तो ये जो मिल्क का जो फॉर्मेशन होता है ये पूरा जो है एक हार्मोनल एक्टिविटी है, हार्मोनल प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पर भी हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दो हार्मोन्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, कौन कौन? एक प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है कि यह मिल्क का जो है सो फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, कहाँ? मैमरी ग्लैंड के अंदर। दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है कि यह मैमरी ग्लैंड को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, यानी कि सिकुड़ाता है, क्योंकि जितना ज्यादा वह सिकुड़ेगा उतना ज्यादा जो है सो निपल्स के द्वारा मिल्क का रिलीज होगा, दूध उससे निकलेगा निपल्स के। मिल्क दो तरह का होता है, एक होता है क्लोस्ट्रम, क्लोस्ट्रम यानी कि इसको फर्स्ट मिल्क कहा जाता है, यानी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो मिल्क का सेक्रेशन होता है वह क्लोस्ट्रम कहलाता है। तो ये जो मिल्क होता है ये हल्का पीले रंग का रहता है ना, और इसमें एंटीबॉडी ए रहता है जो बच्चे को बीमार होने से बचाता है, तो ये शिशु के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कौन? कोलेस्ट्रॉल, जो फर्स्ट मिल्क होता है। उसके बाद दूसरा होता है रेगुलर मिल्क, है ना, तो कुछ दिनों के बाद जो है सो ये रेगुलर मिल्क का सेक्रेशन होने लगता है। तो ये रेगुलर मिल्क जो होता है ये व्हाइटिश कलर का होता है, इसमें केसीन और प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये शुगर रिच होता है ताकि बच्चे का जो है सो डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, है ना, और इसमें एंटीबॉडी जो है सो नहीं पाया जाता है।